वेलकम टू भक्ति ओम संध्या। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है जो जीव को उसके यथार्थ स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करवाकर सदा सदा के लिए संसार सागर से मुक्त कर देता है। अज्ञानता कैसे दूर हो, बुद्धि पर पड़े आवरण कैसे हटे, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति किस प्रकार हो, जीव कैसे आवागमन के विचित्र एवं अत्यंत दुखदायी चक्र से मुक्त हो, तथा कैसे वह अपने जीवन को शांत एवं आनंदित बनाए, यही बतलाना एवं समझाना गीता जी का मुख्य उद्देश्य है। गीता की शिक्षा क्या है, यदि संक्षिप्त शब्दों में कोई जानना चाहे तो उसके लिए यही काफी है कि गीता बाखुशी जीने और मरने की शानदार कला सिखलाती है। क्या मतलब? यही कि दुनिया में आकर द्वंद्वों से भरपूर मृत्यु लोक में जन्म लेकर कैसे अपने जीवन को शांतिपूर्वक व्यतीत किया जाए और साथ ही साथ अंत समय आ जाने पर कैसे खुशी खुशी अपने शरीर का सांप की कीचुल के समान त्याग किया जाए, यही गीता जी की मुख्य ध्वनि है। आज के इस घोर कलयुग में जबकि चारों ओर दुख और विषाद का साम्राज्य छाया हुआ है, आधी व्याधि और उपाधि तीनों प्रकार के रोग इंसान को तोड़ तोड़ कर खाए जा रहे हैं। चारों ओर जिधर भी नजर डालो, लोग नाना प्रकार के दुखों और समस्याओं में बुरी तरह उलझे हुए हैं। कोई किसी कारण को लेकर दुखी है तो कोई किसी को लेकर। व्यष्टि रूप में लो या समष्टि रूप में, अर्थात चाहे एक व्यक्ति को ले लो या संपूर्ण समाज को, प्रायः सब के सब अपनी ही अज्ञानता से उत्पन्न दुखों में पंच पच कर मर रहे हैं। व्यापक रूप में देखा जाए तो आज का विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा है। कभी किसी भी समय विश्व युद्ध हो सकता है। इंसान इंसान का दुश्मन बन चुका है। चारों ओर अत्याचार, लूटमार, स्वेच्छाचार, भ्रष्टाचार, कत्ल एक सामान्य सी बात बन चुकी है। इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था एवं दुखों व कलेशों के विकट समय में यदि कोई सुख शांति का मार्ग है तो वह है श्रीमद् भगवत गीता। शोक का विषय है कि गीता जी के होते हुए भी आज भारतवासी नितांत दुखी हैं। जिस देश में गीता जैसा उच्च कोटि का सब प्रकार के दुखों का समूल नाश कर देने वाला ग्रंथ हो, वहां के लोग इस प्रकार दुखों में उलझे रहे, सचमुच यह एक हैरानगी का विषय है। कारण यही है कि वे ना तो समय निकाल कर गीता जी का पाठ करते हैं और ना ही ये जानने की कोशिश करते हैं कि गीता जी में श्री भगवान ने क्या उपदेश दिया है। इसी संदर्भ में
कहा गया है, मेरे भारतवासी आज गम में चूर हैं कितने, मेरे भारतवासी आज गम में चूर हैं कितने, खुशी का घर गीता है फिर भी दूर है कितने। आनंद का घर है गीता मगर जानते नहीं, आनंद का घर है गीता मगर जानते नहीं, दुख पा रहे हैं इतना मगर मानते नहीं। यद्यपि गीता जी का उपदेश महाभारत युद्ध की ही एक विशेष घटना है और यह उपदेश सर्व ज्ञान संपन्न त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने मोह और शोक के अधीन होकर अपने कर्तव्य से गिरे जा रहे वीरवर अर्जुन को दिया था। तथापि गीता जी की शिक्षा सार्वभौम यानी यूनिवर्सल है, जो प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक समय में प्रत्येक मनुष्य के लिए समान रूप से कल्याणकारी है। भगवान कृष्ण तथा अर्जुन तो नारायण और नर के अवतार माने जाते हैं। दूरदर्शी भगवान जी ने जानबूझकर अर्जुन के रथ को गुरुवर द्रोण तथा पितामह भीष्म के सामने खड़ा किया, जिससे उनके एहसानों को याद करके अर्जुन का मन मोह में भर गया। वह दुखी हो गया तथा अपने गांडी धनुष को छोड़कर युद्ध करने से इनकार कर बैठा। बस कर्तव्य च्युत अर्जुन को पुनः कर्तव्य पथ पर आरूढ़ करने तथा उसके मोह से उत्पन्न शोक और विषाद की जड़ें काटने के लिए भगवान जी ने ऐसा उपदेश दिया जिससे अर्जुन सिंह गर्जना किए बिना ना रह सका। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा त्वत्त प्रसादा निम्यच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्थात पुकारा फिर अर्जुन की ए लाइजाल, हुआ दूर शक और फरेब ए ख्याल, पता चल गया दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। परंतु भूलना नहीं कि अर्जुन भगवान जी के इस सदुपदेश में निमित्त है। वास्तव में तो भगवान जी का उद्देश्य था आने वाली मानव जाति को सुख शांति का अत्यंत कल्याणकारी मार्ग दर्शाना, जिस पर चलकर कोई भी कल्याणकामी मानव अपने जीवन का निर्धारित समय बड़े चैन आराम करार और प्रसन्नता से व्यतीत कर सकता है। न केवल अर्जुन का गीता सुनने के पश्चात शोक और मोह दूर हुआ था, बल्कि आज भी यदि कोई सही अर्थों में गीता जी को अपनाने वाला हो, गीता जी की शिक्षा के अनुसार जीवन बनाने वाला हो और हो गीता जी के सदुपदेश पर अटूट विश्वास रखने वाला हो, तो उसका भी यही अनुभव होगा और वह भी अर्जुन की तरह यही पुकार उठेगा कि हे प्रभु, मेरी सारी अज्ञानता चली गई है, मोह नष्ट हो गया है तथा मैंने स्मृति पाली है, अर्थात मुझे पता चल गया है कि मैं कौन हूँ और संसार में किसके लिए आया हूँ। बस यही तो इंसान से भूल हो रही है, जो वह इतना ही नहीं जान पा रहा कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, क्या करना मेरे लिए
उचित है और क्या करना अनुचित, किस ढंग से कर्म करने पर मैं सुख शांति के घर भगवान जी के निकट पहुंच सकता हूं। वह यही समझता है कि पढ़ना, कमाना, खाना, विवाह करना, बाल बच्चे बना लेना और उन्हीं को खिलाते पिलाते रहना ही मेरा कर्तव्य है। उसके सारे कर्म इसी तर्क तक सीमित होते हैं। इन्हीं की प्राप्ति में ही वह अपनी शांति समझता है और इन्हीं में रचे पचे रहना ही वह अपने जीवन का उद्देश्य मानता है। गिर गया मानव पतन की गहरी खाई में जब उसने अपनी दृष्टि नाम रूपों तक ही सीमित कर ली और रूपों से परे इसको बनाने और चलाने वाला भी कोई है, उसे अपनी जीवन रूपी रजिस्टर से बाहर ही निकाल दिया। भगवान जी ने जोरदार चेतावनी भी दी है कि जो कभी भी अन्यथा नहीं हो सकती। भले ही सूर्य पूर्व से उदय होना छोड़कर पश्चिम से उदय होना प्रारंभ कर दे, कौन सी है वह चेतावनी? अर्जुन, जो कोई भी मुझ में मन लगाएगा, मेरी वाणी के अनुसार अपना जीवन बनाएगा, मुझे सत्य, नित्य और सुखदायी मानकर मेरी प्राप्ति को ही अपने जीवन का परम उद्देश्य बनाएगा, वह निसंदेह सब दुखों एवं रोगों से छूट जाएगा। परंतु याद रख, जो अहंकार के वशीभूत होकर मेरे उपदेश की अवहेलना करेगा, सांसारिक प्राणी पदार्थों को ही नित्य और सुखदायी मानकर उन पर मन लगाता रहेगा, वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। सारी आयु भी रोता रहेगा, रोते रोते शरीर को छोड़ेगा और मरने के पश्चात भी ऐसे घराने में फिर जन्म लेगा जहां आकर उन्हें उससे पहले से भी अधिक दुखी होना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। मचता सर्व दुर्गनी मत प्रसादा तरिष्यसी अथ चेत्व महंकारण श्योषस्वी विनन्दस्वी। अर्थात अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा तू। सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में ही जाएगा पिंडार से। इसमें रच मात्र भी संदेह नहीं कि जो भगवान का भक्त है, जिसे भगवान जी की वाणी पर अटूट श्रद्धा है, उसका जीवन उसके अपने लिए तथा समाज के लिए सुखप्रद सिद्ध होता है। विपरीत इसके जो भगवान के विमुख है, नास्तिक हैं, भगवान जी की अनमोल वाणी की अवहेलना करते हैं, वे अपनी और साथ साथ अपने समाज के दुश्मन हैं। उनके आगे यदि भगवान की चर्चा करो तो वे उल्टा उसे मजाक के रूप में लेते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं और नाना प्रकार के व्यंग्य कसते हैं। सतोगुणी व्यक्ति जिन्होंने भगवान में मन लगाया है, वे ही जानते हैं कि भगवान की वाणी में, भगवान के नाम जप में, उनके पावन स्मरण में कितनी मिठास है, कितना रस है। रजोगुणी और तमोगुणी जिन्होंने भगवान के लिए जीवन तो क्या कुछ भी समय नहीं लगाया, जिन्होंने कभी भूल कर भी भगवान का नाम नहीं लिया है, जिन्होंने भगवान जी की अनमोल शिक्षा को
अपने जीवन में ढाला ही नहीं, उनके अनुसार अपना जीवन बनाया ही नहीं, वे भला क्या जाने इसकी महत्ता को। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद और शैतान क्या जाने अमृत का चस्का। इतना कहकर कीर्तन की अत्यंत मधुर ध्वनि में झूमते गाते गीता प्रेमी जनता झूमते हुए गुनगुनाए तो क्या बात हो। शान दी प्रीत सारे जग नालो मिठी है, उनानु की पता जिने लाके ना डिठी है, उना कोलो पुछो जिने लाके ए डिठी है। वे तो उल्टे बात बनाएंगे और यही कहेंगे कि क्या पड़ा है भगवान की बातों में। भगवान की ओर समय लगाना तो स्वयं को व्यर्थ खोना है। आजकल के भक्त ये सब तो पाखंड ही पाखंड है। आज के कलयुग में भला भगवान की वाणी अपनाई जा सकती है? ये सब तो पुरानी बातें हैं। मरने के बाद किसने देखा है, जो कुछ है सब यही है, इत्यादि इत्यादि निराधार बातें लेकर खुद तो ये लोग बहके होते हैं, औरों को भी बहकाते हैं और अपनी तबाही का सामान स्वयं ही पैदा करते रहते हैं। हर एक बात उल्टी हर एक में फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। ऐसे लोगों के लिए भगवान जी अपने देवी ज्ञान से भरपूर उपदेश को संपूर्ण करने से पूर्व रोकते हैं कि यह गीता रूपी परम रहस्य ना तो तप रहित मनुष्य को कहना चाहिए और ना ही भक्ति रहित के प्रति, तथा ना बिना सुने की इच्छा रखने वालों के प्रति ही कहना चाहिए। एवं जो मेरी निंदा करता है उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए। इदम ते ना तपस्काय न भक्ताय कदाचन, न चाशु शुष्वे वाच्यम न च मामम योभ्य सुयति। अर्थात यह राज उससे मत कह जो जाहिद ना हो, यह राज उससे मत कह जो जाहिद ना हो, यह राज उससे मत कह जो आबिद ना हो। ना उससे जो हो बद जुबा नुक्ताची, ना उससे जो हो बद जुबा नुक्ताची, ना उससे जो सुनने का ख्वाहा नहीं। इसके पश्चात भगवान जी ने अपने प्रिय भक्तों तक यह गीता रूपी दिव्योपदेश पहुंचाने वाले भाग्यवान को अपनी प्राप्ति का परम फल बतलाया है। यही नहीं बल्कि उसे यहां तक सम्मान दिया है कि उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला और कोई नहीं, और ना ही इस पृथ्वी पर मुझे उससे बढ़कर कोई प्यारा है। प्रेम और श्रद्धा पूर्वक पाठ करने वालों को भगवान जी ने कहा है कि उससे मैं ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजित हो जाऊंगा, तथा जो दोष दृष्टि ना रखकर श्रद्धा पूर्वक गीता जी का केवल श्रवण मात्र करेगा, वह पापों से मुक्त होता हुआ उत्तम कर्म करने वाले लोगों को प्राप्त होगा। इसके पश्चात भगवान जी अर्जुन से सारी गीता सुनाने के पश्चात पूछते हैं कि क्या तूने मेरे वचनों को एकाग्रता पूर्वक सुना, और क्या तेरे अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह दूर हो गया? महाराज श्री ने फरमाया कि प्रत्येक गीता के पाठी और किसी गीताचार्य से
गीता सुनने वालों को भगवान जी का यही प्रश्न अपने को अर्जुन समझकर अपने पर करना चाहिए और भली भांति अपना निरीक्षण करना चाहिए कि क्या भीतर से वही उत्तर मिलता है जो अर्जुन ने शेर के समान गरजते हुए दिया था। हो गया मोह दूर मेरा पाई मैंने स्मृति, हो गया मोह दूर मेरा पाई मैंने स्मृति, स्थित हूँ संशय रहित मानूंगा आज्ञा आपकी। यदि तो उत्तर ऐसा मिलता है तब समझिए कि मैं गीता जी की शिक्षा को ठीक ठाक अपने जीवन का अंग बना रहा हूँ। वरना यदि मन कुछ हुज्जते पेश करता है, ऐसा उत्तर मन से नहीं मिलता है, तो समझ जाइए कि अभी मेरे में कमी है। अभी मैं गीता जी को ठीक अपने जीवन में ढाल नहीं रहा। इसके पश्चात संजय जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, जो उच्च कोटि के प्रभु भक्त थे, जिन्हें महर्षि वेद व्यास जी ने दिव्य चक्षु प्रदान किए थे, जिससे वे हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में हो रहे महाभारत के युद्ध को देख सकते थे। अब अपने राजा धृतराष्ट्र जी को बतला रहे हैं कि मैंने साक्षात भगवान वासुदेव और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त और रोमांचकारी संवाद को सुना। आगे स्पष्ट करते हैं कि यह सब श्री व्यास जी की कृपा का ही परिणाम है, जिसके कारण मैं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश को सुन सका। इसलिए हे राजन, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के इस कल्याणकारी अद्भुत संवाद को याद करके मैं बार बार प्रसन्न हो रहा हूँ तथा श्री हरि के उस अति अद्भुत रूप को भी बार बार स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य उत्पन्न होता है और मैं बार बार खुशी में झूम उठता हूँ। सचमुच कितनी मस्ती से भरपूर हैं संजय जी के ये शब्द। हरि की हुई दीद मुझको नसीब, हरि की हुई दीद मुझको नसीब, मेरे सामने है वो सूरत अजीब। उसे याद करता हूँ मैं बार बार, उसे याद करता हूँ मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूँ मैं बार बार। इसके पश्चात श्री गीता जी के अंतिम श्लोक में भक्तवर संजय जी का एक सिद्धांत बतलाते हैं कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान है और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है। यह मेरा मत है। यंत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र श्री विजयो भूर्ति ध्रुवा नीर्ति मर्ति ममरा। अर्थात जिधर है कृष्ण मेहरबा योगेश्वर है खुद जहां, जिधर है कृष्ण मेहरबा योगेश्वर है खुद जहां, जिधर है साहिबे कमा वो अर्जुन जैसा पहलवान। वही है शाद कामिया वही है खुश इंतजामिया, वही है शाद कामिया वही है खुश इंतजामिया, वही है कामरानिया वही है शाद मानिया। सचमुच बात बिल्कुल सिद्धांत की है। इसका लाक्षणिक अर्थ है कि जहां भगवान की याद होगी, भगवान के प्रति मन में प्रेम होगा, श्रद्धा होगी, और जहां अर्जुन जैसा अनन्य प्रभु भक्त होगा, वहां किसी भी चीज की कमी नहीं होगी।
सब प्रकार की समृद्धि, सुख शांति, हर काम में सफलता, सम्मान और नीति वहां स्वयं ही निवास करेगी। स्मरण रखना चाहिए कि गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी विवेकिनी बुद्धि की साकार प्रतिमूर्ति के रूप में प्रकट हुए हैं। अतः इसका अर्थ यह भी लिया जा सकता है कि जिसकी बुद्धि विवेकिनी होगी, उचित अनुचित में पहचान करने की जिसके पास निश्चात्मिक शक्ति होगी, वह दिन प्रतिदिन फूलता फलता रहेगा। उसका जीवन उसके लिए कांटों की शैया न रहकर फूलों की सेज बन जाएगा। श्री रामचरितमानस का उपसंहार करते हुए भी यही भाव लिया गया है। जह सुमति तह सम्मति नाना, जह सुमति तह संपति नाना, जह कुमति तह विपति निदाना। रावण की कुमति थी, अतः सब कुछ होते हुए भी वह अंत में चारों कनियां झाड़कर इस नश्वर संसार से चला गया। उसका सब कुछ नष्ट हो गया और कहना पड़ा कवि को, एक लख पूत सवा लखनाती, ता रावण घर दिया न बाती। एक लख पूत सवा लखनाती, ता रावण घर दिया न बाती। लंक सा कोट समुद्र सिखाई, ता रावण की खबर न पाई। दूसरी ओर विभीषण के पास सुमति थी, उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम था, भगवान की याद थी। फलतः वह लंका का राजा बना, सारी संपत्ति सुख वैभव का स्वामी बना। और भी पुराणों में अनेक दृष्टांत मिलते हैं जिनसे स्पष्टतः पता चलता है कि भगवान से प्रेम करने वाले, भगवान में मन लगाने वाले अपने जीवन में शाद हुए, आबाद हुए, और जो भगवान से विमुख थे उन्हें रोना पड़ा, चिल्लाना पड़ा और पश्चाताप के सिवा कुछ भी हाथ ना लगा। श्रद्धेश दादा गुरुर स्वामी राम तीर्थ जी महाराज कहा करते थे, खुदा को पूजने वाले मुजस्सम प्यार होते हैं, जो मुनकर हैं जमाने में जलीलो खवार होते हैं। भगवान से विमुख होकर भगवान को अपने जीवन का उद्देश्य ना बनाकर ना तो आज तक कोई समृद्ध हुआ है और ना ही हो सकता है। सुख समृद्धि का घर तो भगवान है। दसवें अध्याय में अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान जी ने स्पष्ट कहा है, यदि द्विभूति मत स्वत्म श्रीमद दुर्जित मेव वा तत्त देवाच गच त्वम मम देजो संस्वभवम। अर्थात, हे अर्जुन, जो जो भी विभोक्ति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त एवं कांति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के एक अंश से उत्पन्न हुई जान है। भूलना नहीं कि जब भी जीव शांत होगा, जब भी वह दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा, समृद्ध होगा, केवल भगवान जी की शरण लेकर, भगवान का भक्त बनकर, भगवान जी के लिए अपने आप को दिलो जान से लगाकर, भगवान जी की याद मन में बसाकर ही होगा। इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है, कोई तरीका नहीं है। तो फिर देरी किस लिए? भगवान तो स्वयं पुकार पुकार कर हमें कह रहे हैं, तू सब धर्म छोड़कर ले मेरी राह,
तू मांग आके दामन में मेरे पना। फिर भी हम भगवान की शरण न लेकर इधर उधर प्राणी पदार्थों के बीच उनके पीछे धक्के खाते फिरते हैं। भगवान बुलाएं और फिर भी हम भागे भागे भगवान जी के श्री चरणों में बूढ़े बापू की लाठी की नहीं गिर पड़े। मनसा वाचा कर्म ना उनकी शरण ना ले लें ये कभी हो ही नहीं सकता। जब पता चल गया कि सुख भगवान के श्री चरणों में है, भगवान की ओर से जाने में ही मेरा कल्याण है, फिर भला मन और जाएगा भी कहां। ध्यान रहे कि जिसकी शरण ली जाती है चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते और कोई भी कर्म करते हुए मन रह रहकर उसी का चिंतन करता है। और जब शरण भगवान की ही ली जाएगी तो मन हर समय प्रभु चिंतन में लगा रहेगा और भगवान जी द्वारा लगाई गई उनकी प्राप्ति की यह शर्त सुगमता पूर्वक पूरी हो जाएगी। दसवें अध्याय के सातवें श्लोक तक भगवान ने अपनी विभूति तथा योग शक्ति का और उनके जानने के महात्म्य का संक्षेप में वर्णन करके ग्यारहवें श्लोक तक भक्ति योग और उसके फल का निरूपण किया। इस पर बारहवें से अठारहवें श्लोक तक अर्जुन ने भगवान की स्तुति करके उनसे दिव्य विभूतियों का और योग शक्ति का विस्तृत वर्णन करने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान ने 40वें श्लोक तक अपनी विभूतियों का वर्णन समाप्त करके अंत में योग शक्ति का प्रभाव बतलाते हुए समस्त ब्रह्मांड को अपने एक अंश में धारण किया हुआ कहकर अध्याप का उपसंहार किया। इस प्रसंग को सुनकर अर्जुन जी के मन में उस महान स्वरूप को जिसके एक अंश में समस्त विश्व स्थित है प्रत्यक्ष देखने की इच्छा उत्पन्न हो गई। इसलिए इस 11वें अध्याय के बारे में के आरंभ में पहले 4 श्लोकों में भगवान की ओर उनके उपदेश की प्रशंसा करते हुए अर्जुन उनसे विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना करते हैं। मदनु ग्रहाय परमं ग्रहम अध्यात्म संगीतम यत्व यक्तों वच्चस्तेन महोस्यम विकतो मम। अर्थात अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषय विचन अर्थात उपदेश कहा उससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया है। 10वें अध्याय के प्रारंभ में प्रेम समुद्र भगवान ने अर्जुन तुम्हारा मुझ में अत्यंत प्रेम है इसी में ये सब बातें तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं ऐसा कहकर अपना जो अलौकिक प्रभाव सुनाया उसे सुनकर अर्जुन के हृदय में कृतज्ञता सुख और प्रेम की तरंगे उछलने लगी। उन्होंने सोचा, इन सर्वलोक महेश्वर भगवान की मुझ तुच्छ पर कितनी कृपा है जो ये मुझ शूद्र को अपना प्रेमी मान रहे हैं और मेरे सामने अपने महत्व की कैसी कैसी गोपनीय बातें खुले शब्दों में
प्रकट किए ही जा रहे हैं। अब तो उन्हें महर्षियों की कही हुई बातों का स्मरण हो आया और उन्होंने परम विश्वास के साथ भगवान का गुणगान करते हुए पुनः योग शक्ति और विभूतियों का विस्तार सुनाने के लिए प्रेम भरी प्रार्थना की। भगवान ने प्रार्थना सुनी और अपनी विभूतियों तथा योग का संक्षिप्त वर्णन सुनाया। अर्जुन के हृदय पर भगवत कृपा की मुहर लग गई। वे भगवत कृपा के अपूर्व दर्शन कर आनंद मुग्ध हो गए। साधक को जब तक अपने पुरुषार्थ साधन या अपनी योग्यता का स्मरण होता है तब तक वह भगवत कृपा के परम लाभ से वंचित सा ही रहता है। भगवत कृपा के प्रभाव से वह सहज ही साधन के उच्च स्तर पर नहीं चढ़ सकता, परंतु जब उसे भगवत कृपा से ही भगवत कृपा का भान होता है और वह प्रत्यक्षवत यह समझ जाता है कि जो कुछ हो रहा है सब भगवान के अनुग्रह से ही हो रहा है, तब उसका हृदय कृतज्ञता से भर जाता है और वह पुकार उठता है कि हे भगवान, मैं किसी भी योग्य नहीं हूं, मैं तो सर्वथा अनाधिकारी हूं, यह सब तो आपके अनुग्रह की ही लीला है। ऐसे ही कृतज्ञतापूर्ण हृदय से अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, आपने जो कुछ भी महत्व और प्रभाव की बातें सुनाई हैं, मैं इसका पात्र नहीं हूं। आपने अनुग्रह करने के लिए ही यह परम गोपनीय अपना रहस्य मुझको सुनाया है। मदनुग्रह पद के प्रयोग का यही अभिप्राय है। परमम ग्रहम अध्यात्म संगीतम, इन तीनों विशेषणों के सहित वचन पद भगवान के कौन से उपदेश का सूचक है और इन विशेषणों का क्या भाव है? दसवें अध्याय के पहले श्लोक में जिन परम वचनों को भगवान ने पुनः कहने की प्रतिज्ञा की है और उस प्रतिज्ञा के अनुसार ग्यारहवें श्लोक तक जो भगवान का उपदेश है एवं उसके बाद अर्जुन के पूछने पर पुनः 20वें से 42वें श्लोक तक भगवान ने जो अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का परिचय दिया है तथा 7वें से 9वें अध्याय में विज्ञान सहित ज्ञान के कहने की प्रतिज्ञा करके भगवान ने जो अपने गुण प्रभाव ऐश्वर्य और स्वरूप का तत्व और रहस्य समझाया है, उसी सब उपदेश का वाचक यहाँ परमम ग्रहम और आध्यात्म संगीतम इन तीनों विशेषणों के सहित वचा पद है। जिन जिन प्रकरणों में भगवान ने अपने गुण प्रभाव और तत्व का निरूपण करके अर्जुन को अपनी शरण में आने की प्रेरणा दी है और स्पष्ट रूप से यह बतलाया है कि मैं श्री कृष्ण को तुम्हारे सामने विराजित हूँ, जो श्री कृष्ण तुम्हारे सामने विराजित हैं, वही समस्त जगत का कर्ता हर्ता निर्गुण सगुण निराकार साकार मायातीत सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर हो। उन प्रकरणों को भगवान ने स्वयं परम ग्रहम बतलाया है। अतः यहां उन्हीं विशेषणों का अनुवाद करके अर्जुन को यह भाव दिखलाते हैं कि आपका यह उपदेश अवश्य ही
परम गोपनीय है। यहां अयम विशेषण के सहित मोह पद अर्जुन के किस मोह का वाचक है और उपयुक्त उपदेश के द्वारा उसका नाश हो जाना क्या है? अर्जुन, जो भगवान के गुण प्रभाव ऐश्वर्य और स्वरूप को पूर्ण रूप से नहीं जानते थे, यही उनका मोह था। अब उपयुक्त आदेश के द्वारा भगवान के गुण प्रभाव ऐश्वर्य रहस्य और स्वरूप को कुछ समझकर वे जो यह जान गए हैं कि श्री कृष्ण ही साक्षात परमेश्वर हैं, यही उनके मोह का नष्ट होना है। भवा पयो ही भूतानां श्रुतो विस्तृशो मया तत्वत कमल पक्ताक्ष महात्म्ये मपि चाव्यम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं, इस कथन का क्या भाव है? इसमें अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आपसे ही समस्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है, आप ही उनका पालन करते हैं और वे सब आप में ही लीन होते हैं। यह बात मैंने आपके मुख से 7वें अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक विस्तार के साथ बार बार सुनी है तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया कि केवल भूतों की उत्पत्ति और प्रलय की ही बात आपसे सुनी हो, ऐसी बात नहीं है। आपकी जो अविनाशी महिमा है, अर्थात आप समस्त विश्व का सृजन पालन और संहार आदि करते हुए भी वास्तव में अकर्ता है, सबका नियमन करते हुए उदासीन है, सर्वव्यापी होते हुए भी उन वस्तुओं के गुण दोष से सर्वथा निर्लिप्त है, शुभाशुभ कर्मों का सुख दुख रूप फल देते हुए भी निर्दयता और विषमता के दोष से रहित है, प्रकृति काल और समस्त लोकपालों के रूप में प्रकट होकर सबका नियमन करने वाले सर्वशक्तिमान भगवान है। इस प्रकार के महात्म्य को भी उन प्रकरणों में बार बार सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक वैसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। परमेश्वर और पुरुषोत्तम, इन दोनों संबोधनों का क्या अभिप्राय है? परमेश्वर संबोधन से अर्जुन का यह भाव संभाते हैं, दिखलाते हैं कि आप ईश्वर के भी महान ईश्वर हैं और सर्वप्रथम हैं। अतएव मैं आपके जिस ऐश्वर्य स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूं, उसके दर्शन आप सहज ही करा सकते हैं। तथा पुरुषोत्तम संबोधन से यह भाव दिखलाते हैं कि आप शर और अक्षर दोनों से उत्तम साक्षात भगवान हैं। अतः मुझ पर दया करके मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है,
इस कथन का क्या भाव है? इस कथन में अर्जुन ने यह भाव दिखलाया कि वे अपने गुण, प्रभाव, तत्व और ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए अपने आप विश्व में जो कुछ कहा है, अपने बारे में जो कुछ कहा है, वे पूर्ण रूप से यथार्थ है। उसमें मुझे किंचित मात्र भी शंका नहीं है। ऐश्वर्यम विशेषण के सहित रूपम पद किस रूप का वाचक है और उसे देखना चाहता हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? असीम और अनंत ज्ञान, शक्ति, बल, वीर और तेज आदि ईश्वरीय गुण और प्रभाव जिसमें प्रत्यक्ष दिखलाई देते हों तथा सारा विश्व जिसमें एक अंश में हो, ऐसे रूप का वाचक यहाँ ऐश्वर्यम विशेषण के सहित रूपम पद है और उसे मैं देखना चाहता हूँ, इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया कि ऐसा अद्भुत रूप मैंने कभी नहीं देखा। आपके मुख से उसका वर्णन सुनकर उसे देखने की मेरे मन में अत्यंत उत्कट इच्छा उत्पन्न हो गई है। उस रूप के दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, मैं ऐसा मानता हूं। यदि अर्जुन को भगवान जी के कथन में पूर्ण विश्वास था, किसी तरह की शंका थी ही नहीं, तो फिर उन्होंने वैसा रूप देखने की इच्छा प्रकट क्यों की? जैसे किसी सत्यवादी की पारस, चिंतामणि या अन्य कोई अद्भुत वस्तु हो और उसके बतलाने पर सुनने वाले मनुष्य को यह पूर्ण विश्वास भी हो जाए कि उसके पास अमूक वस्तु अवश्य है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, तथापि वह अद्भुत वस्तु पहले कभी देखी हुई न होने के कारण यदि उसके मन में उसे देखने की उत्कट इच्छा हो जाए तो वह उसे प्रकट कर दे, तो इसमें विश्वास में कमी होने की कौन सी बात है? गीता न्यायियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और भाइयों, इसी के साथ ही गीता जी का अमृतमयी, कल्याणकारी दिव्य उपदेश संपूर्ण हो रहा है। अब आप स्वयं अपने आप से पूछिए कि गीता जी को सुनने और पढ़ने से क्या आपके जीवन में सुखदायी मोड़ आया या नहीं? क्या आपकी समस्त चिंताएं, व्यर्थ की संसार संबंधी कामनाएं, वासनाएं, संकल्प विकल्प बंद हो चुके हैं या नहीं? क्या मेरा मन सांसारिक प्राणी पदार्थों का सहारा छोड़कर भगवान जी की शरण ले चुका है? क्या कर्म करते हुए अब भी मेरा मन फल की चाहना करता है? यदि ऐसा है तो निरीक्षण कीजिए, अपने अंदर गोता लगाइए, देखिए कि अभी मेरे में क्या कमी है। क्यों नहीं मेरे ऊपर गीता जी का पूरा रंग चढ़ा? भूलना नहीं कि गीता जी के सुनने पढ़ने का यही ठोस लाभ है कि हमारे में एक शानदार परिवर्तन आ जाए। बुद्धि वह निर्णय ना करे जो पहले प्राणी पदार्थों की प्राप्ति अर्थ करती थी, मन के संकल्प विकल्पों का विषय संसार ना रहे और तन द्वारा कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिससे अंतिकरण संस्कारों को रूढ़ी बनता जाए। वही इंसान गीता जी का पूरा पूरा लाभ उठा पाएगा जो अपने भीतर की
सारी गंदगी को निकाल फेंकेगा और पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास से यह समझते हुए कि गीता जी के अपनाने एवं इसकी शिक्षा के अनुसार जीवन बनाने में ही मेरा कल्याण है। लग जाए जुट जाए अपने जीवन को एक नया रूप देने के लिए। यदि फिर भी कहीं कमी महसूस करें तो गिड़गिड़ाकर भगवान जी से प्रार्थना करें। वे दयालु कृपालु हैं, अर्थात अवश्य हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और हमारा कल्याण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामाया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भागव भागवते। शांति शांति शांति। जय भगवती।